हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो T3X फ़ोन है, तो वीवो T3X फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन में आप 12 आवर टाइमिंग को आप कैसे अपने फ़ोन पे लगा सकते हैं एंड आप कैसे सेट कर सकते हैं 12 आवर टाइमिंग को अपने वीवो फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि 12 आवर टाइमिंग को आप कैसे लगा सकते हैं और कैसे सेट कर पाएंगे वीवो T3X फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो बताने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो हो रहे हैं, इसमें स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। ओपन हो जाएंगे इस पर जाकर आप 12 आवर टाइमिंग को अपने फ़ोन पर लगा सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको सेटिंग्स पर जाना हो, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स है ओपन हो जाएगी, जिस पर जाकर 12 आवर टाइमिंग को अपने फ़ोन पर लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। सिंपली देख सकते हैं जी, सेटिंग शो हो रही है सिंपली। तो आप 12 आवर टाइमिंग को कैसे लगा सकते हैं और सेट कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में, तो इस तरह सेटिंग शो हो रही है, जिसमें से आपको स्लाइड करना है और चले जाना है सिस्टम सेटिंग्स पे। सिस्टम सेटिंग्स से आपके फ़ोन पर आ जाएगी, इस पर जाकर आप 12 आवर टाइमिंग को सेट कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन में। देख सकते हैं कि आपको डेट एंड टाइमिंग पे चले जाना है और डेट एंड टाइमिंग ऑप्शन से ओपन हो जाएगा, जिसके ज़रिए आप टाइमिंग यानी 12 आवर टाइमिंग को आप सेट कर सकते हैं और कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका टाइमिंग आपके फ़ोन पे सेट हो जाता है। जहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से 12 आवर टाइमिंग ऑफ़ कर दें तो टाइमिंग आपको 12 आवर में हो जाएगा और सेट हो जाएगा, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। और ऑफ ऑन करते हैं तो टाइमिंग को 24 आवर टाइमिंग पे भी सेट कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से टाइमिंग को 12 आवर में कर सकते हैं, इसको ऑफ़ करके अपने वीवो T3X फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। वीडियो